के हिसाब से मैं हूँ कार्तिक और आप देख रहे हो ऑलराउंडर की त्रिवेदी। तो मैंने थोड़े समय पहले एक कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाला था कि मैं किस चीज़ की अनबॉक्सिंग मतलब किस चीज़ की मैंने वो वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट। तो इसमें से आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये मेरे को कॉमेंट किया था कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मतलब मैंने जो लिया था उसकी अनबॉक्सिंग करो, जो कि आज आ गया है फाइनली अमेजोन से आज डिलीवर हो चुका है। तो इस वीडियो में फाइनली इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, बताता हूँ कौन सा प्रोडक्ट है और क्या मैंने मंगाया है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम गाइस, लेट्स बिगिन द अनबॉक्सिंग। तो ये रहा वो बॉक्स जो कि अमेजोन से मेरे को मिला है। तो चलो भाई फटाफट से अब सील को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको डायरेक्टली एक और ब्लैक बॉक्स मिलेगा और एक कार्ड मिलेगा रेटिंग का। तो ये सब इसको साइड में रखते हैं। अब ये रहा बॉक्स, ये है एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल जो कि मैंने ऑर्डर करी थी। तो ये काफ़ी सही केबल है और काफ़ी चीप है। बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी काफ़ी। और अब बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, मतलब सील ओपन करते हैं। और ये है वो वाली केबल। तो यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक केबल मिलती है जिसमें सामने के साइड में मैग्नेट है और जो बाकी केबल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बनी है। अब यहाँ पे मिलते हैं आपको तीन पोर्ट्स, मतलब जो है माइक्रो यूएसबी पोर्ट, टाइप सी, ये सब पोर्ट्स आते हैं वो हैं यहाँ पे तीनों, जिसमें भी मैग्नेट्स मिलती हैं। यहाँ पे ऐसे मैग्नेट अटैच हो जाती है ऑटोमेटिकली, काफ़ी पावरफुल मैग्नेट है। ये माइक्रो यूएसबी टाइप ए है जो मतलब पहले फ़ोन्स में आता था। ये टाइप सी पोर्ट है जो कि अभी के फ़ोन्स में आने लगा है। और दूसरा मिलता है आपको एप्पल वाला, यानी कि iOS डिवाइस में जो आता है वो वाला पोर्ट मिलता है। तो आपको यहाँ पर तीनों पोर्ट से मिल जाता है। यहाँ पर LED लाइट भी है, जब जो केबल अटैच करते हैं अडॉप्टर से तब ये ब्लिंक करती है। तो यार कैसी लगी आपको ये एक यूनिक सी चार्जिंग डॉक, एक यूनिक सी मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक जो कि मैंने अमेजोन से मंगाई थी। तो कैसी लगी, तो ये अनबॉक्सिंग का पार्ट करके लिए अब इसको टेस्ट करते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेज में रन करेगी, मतलब कौन कौन से डिवाइसेज को ये आराम से चार्ज कर लेगी और कौन से डिवाइसेज नहीं करेगी, है ना, ये सब। बाकी इसमें आपको जो तीन जो आपको डॉक्स मिलती हैं, जैसे टाइप डॉक्स मिलती है टाइप सी, टाइप ए और जो iOS के लिए आती है, यानी कि एप्पल वाले प्रोडक्ट्स में। तो इन तीन टाइप के आपको डॉक्स मिलते हैं, तो आप कोई भी टाइप की चीज़ें जो है उसको चार्ज कर सकते हो यूजली। तो चलो अब इसकी वही देखते हैं, इसकी टेस्ट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें चार्ज कर लेती है। तो आपके पास जो अडॉप्टर होगा या फिर कार में जो USB पोर्ट्स होते हैं इसमें आराम से अटैच हो जाएगी, और अटैच करेंगे प्लग ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो LED लाइट है वो भी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि काफ़ी कूल दिख रही है। अब यहाँ पे आपको ये तीनों पोर्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास ये टैबलेट है, उसको ट्राई मारते हैं। यहाँ पे आपको माइक्रो USB टाइप ए वाला पोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे जो है टाइप ए वाला पोर्ट उसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली मैग्नेटली अटैच हो जाएगी। और देखो टैबलेट भी जो है वो चार्ज होने स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप मतलब ब्लिंकिंग देख सकते हो लाइट की। अब चलो यहाँ से इसको निकाल लेते हैं और दूसरे डिवाइस को अटैच करते हैं। अगर आपके पास पुराने ज़माने वाले बटन्स वाले फ़ोन हैं जो कि आजकल बहुत मुश्किल ही हैं, अगर उनमें भी आपको ये माइक्रो USB टाइप 1 वाला मिलता है तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे नीचे लगा के इसको भी अटैच कर सकते हो। देखो भाई ये भी जो वर्क, इसमें भी वर्क कर रहे हैं। देखो ये तो फुल चार्ज है पहले से, बोला इसमें भी ये वर्क कर रहा है। वैसे आजकल ये फ़ोन मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग यूज़ करेंगे ऐसा फ़ोन। अब अभी वाले फ़ोन की बात कर लेते हैं जो कि थोड़ा रिसेंटली अभी जो आने लगे हैं टच स्क्रीन फ़ोन। तो यहाँ पे इसको भी आप लगा सकते हो। मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें जो कवर लगे ना वो नॉर्मल वाला कवर लगा है, मेरे पास जैसा कवर है ना उसमें ये नहीं लगता है, बाद में बताता हूँ आपको। तो इसमें फिट हो गया, अब इसको भी यहाँ पे अटैच कर देते हैं। और यहाँ पे ये भी चार्ज होने स्टार्ट हो चुका है। अब मेरे पास जो कवर मिलता है ना वो कुछ इस टाइप का है, जो कि यहाँ नीचे साइड में थोड़ा थिक है तो ये अच्छे से फिट नहीं हो पाता है। तो जैसे मैं इसको अटैच करता हूँ ना तो ऑटोमेटिक निकल आता है। तो इसका बाद में कोई जुगाड़ देखूंगा, अगर ऐसे लगाता हूँ तो ये आराम से फिट हो जाता है। तो अगर आपके पास नॉर्मल वाले कवर है ना तो ज़्यादा अच्छे फिट हो जाएगा और बार बार ये कुछ हिलेगा भी नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरे गैजेट्स की, जैसे कि मेरे पास एक ये टॉर्च है और हॉर्न जो है साइकिल का। यहाँ पर आपको पीछे साइड में मिलता है पोर्ट, तो यहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको यहाँ पे अटैच कर लिया और यहाँ पे अटैच कर लिया ये। अब इसमें कोई साइन नहीं है, मतलब लाइट वाइट नहीं है तो मैं बता सकूँ जिससे कि ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास अब एयरपॉड्स हैं, हेडरेस्ट हैं, हेडफोन्स हैं, या जैसे मेरे पास एक ही पुराने टाइप का ब्लूटूथ है तो आप इसमें भी इसको यूज़ कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पे भी चार्जिंग का जहाँ भी मिलता है आप इसको लगा लो आराम से और अटैच। तो ये भी यहाँ पे सपोर्ट करता है, इसमें भी चार्ज होना स्टार्ट हो गया। अगर आप लोग भी पियानो जैसी चीज़ें खरीदते हो, मतलब जैसे कि टॉय पियानो, तो उसमें भी आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है तो आप इसको भी लगा सकते हो, ये भी चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख लो, तो यहाँ पे देख लिया आप लोग, ये भी जो वर्क करता है, ये मैक्सिमम डिवाइस को चार्ज कर लेता है, मतलब सपोर्ट करता है। तो एक प्रोडक्ट ये एक यूनिवर्सल टाइप का है भाई, देख लिया ना।
मस्त प्रोडक्ट है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सपोर्ट करता है। बस मेरा वाला जो फ़ोन है ना उसमें मेरे कवर के कारण ये इसका जो पॉइंट है ना वो अच्छे से फिट नहीं हो पाता, तो वो कवर का मतलब थोड़ा सा इशू। जैसे अगर आप लोग पास नॉर्मली इस टाइप का फ़ोन है जिनमें कि आपको ऐसा है ट्रांसपेरेंट पे या फिर जो आपको बॉक्स में मिलते हैं कवर सिंपल वाले कवर्स रहते हैं तो उसमें आराम से रन कर जाएगा। और अगर फ़ोन में कोई कवर ही नहीं तो फिर तो बात ही क्या है। बहुत सारे डिवाइस जैसे ये वर्क कर लेता है, जैसे मैंने 3-4 तो दिखाई अलग अलग डिवाइसेस, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हैंडी है। मतलब बार बार आपको चार्जिंग लगाना नहीं पड़ेगा, बस एक बार फिट कर दो बस काम हो गया आपका, और काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और यूजुअली जो LED लाइट जो यहाँ पे आपको मिलती है ना वो नाइट के समय काफ़ी वर्क काफ़ी मतलब अच्छा काम करती है। ब्राइटनेस इसकी ठीक है, मतलब एकदम बहुत अच्छी भी नहीं, मतलब टॉप नॉच वाली ब्राइटनेस भी नहीं है, लेकिन ना प्राइस के हिसाब से ठीक है। प्राइसिंग बता दूँ इसकी एक बार आप लोग को, प्राइसिंग तो बता दूँ मैंने मात्र 220 रुपये में खरीदी है। या इसका प्राइस जो है वो सिर्फ 220 रुपीज़ है। 220 रुपीज़ में आपको और क्या चाहिए, मतलब ये एक तरह से चीप और बेस्ट मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है अभी तक की, और काफ़ी अच्छी है बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। तो अगर आप लोग को इंटरेस्टेड हो इसको परचेज करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक करना और उसको परचेज कर सकते हो आप लोग। तो मेरे को एक बार कॉमेंट करना कि जरूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा ये प्रोडक्ट, अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना यार। अगर ये सब नहीं करो तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो कैच यू गाइस लेटर, टिल देन बाय।